इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद जॉर्डन ने गाजा में मदद की पहली खेप भेजने की तैयारी की है। जॉर्डन के सैन्य सूत्र के मुताबिक एक विमान मिस्र के राफे बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए उड़ान भरेगा। अगर इजाजत मिलती है तो गाजा के आधिकारिक प्रतिनिधियों को ये मदद सौंप दी जाएगी। जॉर्डन हशमीद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हुसैन एम अल शल्बी ने कहा कि इस विमान में दवाइयां वगैरह हैं और इस वक्त वहां जो हालात हैं उसमें घायलों के लिए ये बहुत जरूरी है। كثف وتنسيق من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع نظيرتها في السلطات المصرية لضمان وصول هذه المساعدات عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ومن خلال معبر رفح تم تجهيز هذه الطائرة بمساعدات طبية عبارة عن علاجات ومضادات حيوية وأدوية تستلزم في مثل هذه الظروف ومثل هذه الإصابات تم تجهيز هذه الطائرة हमास द्वारा हमले के बाद इजरायली सेना गाजा में लगातार हवाई हमले कर रही है। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे जबकि 2700 घायल हुए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया गया था। जहां तक गाजा की बात है तो गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां मरने वालों की संख्या 1200 पहुँच गई है जबकि 5600 लोग घायल हो चुके हैं।